लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग एग्जांपल वी हैव फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंपैरिजंस मोस्ट इंटरेस्टिंग इस अगर इस एप्लीकेशन की बात करें काफी इंटरेस्टिंग केस होगा इन दैट केस व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस एप्लीकेशन अभी तक जितने भी कंपेरिजन परफॉर्म किए थे सारे कंपेरिजन परफॉर्म हुए थे रिस्पेक्ट टू इंटीजर नंबर्स बट इन दैट केस नेक्स्ट कंपेरिजन रिस्पेक्ट टू डेसिमल नंबर्स व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट अगर किसी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें तो जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किए सभी वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स के हैं फ्लोट बट एज वी नो अगर किसी भी डेसिमल नंबर को डायरेक्टली राइट किया जाए लाइक 2.5 देन इसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या हुआ डबल डेटा टाइप डबल मींस इट इज रिप्रेजेंटेड और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 8 bytes डबल के केस में जब इस वैल्यू को डबल में रेफर करो कितने बाइट में स्टोर होगा 8 byte में जब सेम वैल्यू किसी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में साइन कराते हैं लाइक अ फ्लोट x इक्वल टू 2.5 तो सेम एज इस केस में x का साइज क्या हो 4 byte तो सेम वैल्यू अगेन जब फ्लोट में रेफर करेंगे फ्लोट में स्टोर करेंगे साइज कितना एलोकेट होगा इसके लिए 4 byte इन केस ऑफ डेसिमल नंबर्स अगर सेम डेसिमल नंबर 4 byte में रिप्रेजेंट करोगे या 8 bytes में देन इन दोनों ही केसेस में सेम वैल्यू के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे कंप्लीटली डिफरेंट देयरफॉर जब किसी फ्लोट सेम फ्लोट वैल्यू को फ्लोट सॉरी सेम डेसिमल नंबर को फ्लोट और डबल में स्टोर करने के बाद अगर आप कंपेरिजन करोगे क्योंकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है इसलिए इस केस में रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएंगे ट्रू और फॉल्स फॉल्स बिकॉज ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जस्ट ऑफ इंटरनल मीनिंग्स इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केस टेस्ट किए हैं लेट्स सी वन बाय वन ऑल एग्जांपल्स इन दैट केस देयर आर 10 वेरिएबल्स ए बी सी डी ऑल केसेस टेस्ट करने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन किए इन वैल्यूज का रेंज क्या है फ्रॉम 2.02 2.9 इग्नोर दिस इंटीजर पार्ट सभी केस में कॉमन है स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना ओनली इट्स डेसिमल पार्ट के केस बात करें जब सेम डेसिमल नंबर या तो आप फ्लोट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और इन द फॉर्म ऑफ डबल दोनों ही केसेस में डिफरेंस क्या होंगे अगर सेम वैल्यू फ्लोट के फॉर्म में स्टोर करा दो वैल्यू स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ 4 byte binary representation सेम वैल्यू अगर डबल के फॉर्म में स्टोर कराते हैं इसके लिए बाइट्स कितने एलोकेट होंगे 8 bytes बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगेन इन केस ऑफ फ्लोट और डबल अगर सेम वैल्यू को 4 byte और 8 byte में फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्टोर कराएंगे देन सेम वैल्यूज के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे डिफरेंट इसलिए जब भी फ्लोट और डबल के केस में जब सेम वैल्यूज को कंपेयर करोगे सेम वैल्यू के रिस्पेक्ट में इसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे ऑलवेज फॉल्स एक्सेप्टिंग टू केसेस व्हाट दिस एक्सेप्शनल केस अगर फ्लोट और डबल के केस में एक्स मीन्स एनी इंटीजर पार्ट बोथ केस सेम अगर पॉइंट के डेसिमल के बाद फ्लोट और डबल दोनों ही केसेस में या तो जीरो फाउंड हो रहा है या 0.5 इन बोथ केसेस इन दैट केस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू मीन्स पॉइंट के बाद जीरो और पॉइंट के बाद फाइव के केस में फ्लोट और डबल के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे ऑलवेज सेम मीन्स सेम रिप्रेजेंटेशन इसलिए इस केस में रिजल्ट क्या आएंगे ट्रू रिमेनिंग सभी केसेस में रिजल्ट कैसे होंगे फॉल्स मीन्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 देन 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 इन सभी केसेस में सेम वैल्यूज के रिप्रेजेंटेशन क्या है डिफरेंट इसलिए रिमेनिंग केसेस में रिजल्ट्स क्या मिलेंगे फॉल्स बट इन दैट केस स्पेशली ट्रू लेट्स सी फर्स्ट वन फर्स्ट केस में अगर ए की बात करें तो ए का टाइप क्या है फ्लोट इन दैट केस ए इक्वल इक्वल 2.0 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इस केस में ए के केस बात करें तो ए में क्या स्टोर है वैल्यू 2.0 लेकिन सेम ए कितने बाइट्स में स्टोर हो रहा है 4 bytes एंड इस दोनों केस में कंटेंट सेम है सेम नेक्स्ट वन बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर का टाइप कंसीडर किया हुआ डबल डबल के केस में साइज क्या हुआ इसका 8 byte तो सेम डेटा इस केस में रिप्रेजेंट किस फॉर्म में फ्लोट इन दैट केस डबल फ्लोट और डबल के केस में अगर पॉइंट के बाद 2 है दोनों ही केसेस में इंटीजर पार्ट कैसे है सेम इन पॉइंट के बाद फाउंड क्या हो रहा है जीरो
जीरो, तो जीरो जीरो केस में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटर डबल में कैसे होंगे ऑलवेज सेम, सेम मीन्स ट्रू। तो फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या आएगा इस केस में, इन दैट केस फर्स्ट वन इज ट्रू, ट्रू मीन्स वन, व्हाट इज द प्रिंटेड वैल्यू इन प्लेस ऑफ फर्स्ट परसेंट इज वन। नेक्स्ट वन, सेकेंड कंपेरिजन रिस्पेक्ट टू बी, इन केस ऑफ बी बी इक्वल इक्वल टू 2.1, तो इस केस में पॉइंट के बाद क्या है 95 फाउंड हुआ 90 मीन्स 1, 0.1 के केस में सेम वैल्यू फ्लोट और डबल में रेफर करेंगे, इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होंगे इसलिए रिजल्ट क्या मिलेंगे फॉल्स। तो सेकेंड केस में सेकेंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ 0.1 जस्ट फॉल्स, फॉल्स मीन्स 0, रिजल्ट इज 0। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ दैट एक्सप्रेशन सी इक्वल इक्वल 2.2, सी इक्वल इक्वल 2.2, अगेन चेक इट, सी का टाइप क्या है फ्लोट और 2.2 का डिफॉल्ट टाइप क्या है डबल, फ्लोट वैल्यू सेम, सी में भी कंटेंट्स की बात करें तो सी के अंदर भी आसान क्या हुआ है ऑल्सो 2.2, लेकिन इस केस में सी मीन्स फ्लोट 4 बाइट्स, इस केस में डेटा कितने बाइट में रेफर हो 4 बाइट्स, इन दैट केस 8 बाइट, जब सेम वैल्यू 4 बाइट और 8 बाइट में रिप्रेजेंट करेंगे देन इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होंगे, फिजिकली डेटा सेम फाउंड हो लेकिन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे डिफरेंट, देयरफॉर रिजल्ट इज फॉल्स, सेम एज फॉल्स, फॉल्स के केस में रिजल्ट क्या आएगा 0, परसेंट डी के प्लेस पर क्या रेफर होगा इन दैट एक्सप्रेशन 0। नेक्स्ट वन, चेकिंग दैट एक्सप्रेशन मीन्स सभी केस में 2.3, 3 मीन्स अगेन फॉल्स 0, 2.4 मीन्स अगेन फॉल्स 0, 2.5 के केस में स्पेशली मेंशन किया है मीन्स अगर फ्लोट सेम वैल्यू 0.5 के केस में डेसिमल, अगर इंटीजर पार्ट सेम है और डेसिमल पार्ट 0.5 है और 0.0, इन दोनों ही केसेस में रिजल्ट्स क्या है ऑलवेज ट्रू, इस केस में फ्लोट और डबल में दोनों के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे सेम, इसलिए नेक्स्ट केस में रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ 0.0.1, 0.0.1। नेक्स्ट वन, इन दैट केस 0.6, 0.6 में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे डिफरेंट, देयरफॉर फॉल्स। 0.7 केस में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे डिफरेंट, अगेन 2.8, सिमिलरली 2.9, इन ऑल केसेस फॉल्स, देयरफॉर 4 टाइम 0 इज प्रिंटेड, दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। फर्स्ट केस से क्या प्रिंट हुआ 100001, 0001, 0000, क्लियर।